बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। व्यूवर्स, मैं आज लेकर आई हूँ लिटिल लिटिल बेबी गर्ल्स के लिए समर कलेक्शन। इसमें आपको बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस नज़र आएंगे जो कि समर ड्रेसेस हैं और बहुत ही प्यारे आउटफिट्स हैं। इस तरह के फैब्रिक आप लेकर या फिर आपके पास है अवेलेबल तो आप इस तरह का ड्रेस घर में ही स्टिच कर सकते हैं। आप कोई भी कलरफुल फैब्रिक यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर लें, साथ में कंट्रास्टिंग कर लें। जैसे कि ये वाला आपको एक शॉर्ट नज़र आ रहा है जिसका टॉप भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, बेल्ट लगाई गई है शॉर्ट के ऊपर। अगर आपने प्रिंटेड शर्ट बनानी है तो आप प्रिंटेड शर्ट बना लें, या फिर अगर आपने कोई शॉर्ट्स बनाने हैं तो आप इस तरीके से उनको प्रिंटेड शर्ट बना लें और प्लेन इसकी शर्ट बना लें। ये वाला भी आप टॉप देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है, इसके साथ आप स्कर्ट स्टाइल देख रहे हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से स्टिच किया गया है। ये सभी ड्रेसेस घर में स्टिच कर सकते हैं आप इजीली। आपके पास कोई भी फैब्रिक है आप इस तरीके से डिज़ाइनिंग कर लें मेरी वीडियो से आइडियाज़ लेकर। ये बहुत ही प्यारे लगते हैं, समर ड्रेसेस हैं, सिंपल भी होते हैं और कम्फर्टेबल भी, आप इजीली कैरी करवा सकते हैं। बाहर कहीं भी जा रहे हैं आपके लिटिल बेबी गर्ल साथ तो आप इस तरह के ड्रेसेस को कैरी करवा लें, क्योंकि समर में इस तरह के ड्रेसेस बहुत ही प्यारे लुक देते हैं। अगेन, ये भी एक ड्रेस है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है, इसका फैब्रिक बहुत प्यारा है, कलर्स बहुत प्यारे हैं, फ्लावर्स बने हुए हैं, प्रिंटेड फैब्रिक है। आप इस तरीके से चेक फैब्रिक भी यूज़ कर लें। इसमें ज़्यादा सिंपल ड्रेसेस हैं, इस पर कुछ भी ऐड नहीं किया गया, ना ही लेसेस वगैरह ज़्यादा ऐड हैं, ना ही कोई भी फैब्रिक फैंसी यूज़ किया गया है। सिंपल सिंपल फैब्रिक है, बहुत ही प्यारा है। ये भी लॉन का है, आप इस तरीके से कॉटन फैब्रिक को बाय कर लें या फिर लॉन को, और पूरा अपने बेबीज़ के लिए ड्रेस बना लें पेयर के साथ। ये वाला भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, इस पर जो बो बनाई गई हैं स्टेप्स के साथ बहुत ही प्यारी लग रही हैं। ये भी एक स्कर्ट स्टाइल है जिसके आप टॉप देख रहे हैं, फ्रॉक देख रहे हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं। ये ड्रेसेस आपकी बेबी की जो भी एज है आप अपनी बेबी की एज के अकॉर्डिंगली, साइज़ के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर सकते हैं मेरी वीडियो से आइडियाज़ लेकर। ये चिकन फैब्रिक की तरह बनाया गया है और ये वाला भी बहुत प्यारा लग रहा है। इस पर नेट को यूज़ किया हुआ है, साथ में वाइट कलर की नेट ज्वाइन की है स्कर्ट के ऊपर, जो कि डबल लेयर्स में है और बहुत ही प्यारी लग रही है। डबल शेड इसमें आ जाता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। इसकी बेल्ट आप डिज़ाइन देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो व्यूवर्स, आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा फैमिली में, फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी इस तरीके से आइडियाज़ मिलते रहें। मेरी वीडियो को शेयर करने से आपको ये फ़ायदा होता है कि वो आइडियाज़ भी ले सकते हैं, आपके रिलेटिव्स, आपकी फैमिलीज़, उनको भी आइडियाज़ मिल जाते हैं कि किस तरीके से बेबीज़ के ड्रेसेस स्टिच करने चाहिए। तो व्यूवर्स, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आपको ये बेनिफिट होता है कि आप मेरी हर वीडियो को वक्त पर देख सकते हैं। आपको मेरी आज की वीडियो में जो भी डिज़ाइन पसंद आया आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और सेम टू सेम अपनी बेबीज़ के लिए इस तरह के ड्रेसेस को स्टिच कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।